अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं, अभी अभी मुझे एक दोस्त ने बताया कि जैस की ईद ऑफ़र आई है, जिसमें आप 3 दिन के लिए फ्री कॉल्स कर सकते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही वो कोड डायल किया तो मुझे ये मैसेज आया, आप देख सकते हैं कि आपको 3 दिन के लिए 300 जैस वारिद मिनट SMS और 30 MB दिए जा चुके हैं। स्टेटस के लिए *116# मिला। ये तो मैं आपको ये *116# मिला के भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरे पास वाकई मुझे मिल चुके हैं *116#। तो ये ईद की ज़बरदस्त ऑफ़र है, आपको बैलेंस डाउन लोड कराने की जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है इस ईद पे। तो आपको जैज़ की तरफ से ये गिफ्ट दिया जा रहा है। तो कोड मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, यू हैव 300 जैज मिनट्स टिल 20। ये देख लिया आपने मैसेज, ये देखें जी, आपने मैसेज देख लिया है, 700 MB जो है मेरे पास नेट भी आ चुका है। तो कोड बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर और लाइक बहुत कम मिलते हैं। जब आपका जिस वीडियो से आपका फ़ायदा हो जाता है, तो दोस्तों उस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका काम घर बैठे हो जाता है, आपको फ्री में ही अपडेट मिल रही होती है। तो आप से उम्मीद है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे ये हौसला अफजाई हो। तो वीडियो पे मज़ीद टाइम ज़ाया करने पे आपको मैं बता देता हूँ वो कोड, जो आप अपने जैस सिम से वो कोड डायल करेंगे तो आपको ये 3 दिन की ऑफ़र मिल जाएगी। और आप मुझे दुआएं करेंगे, क्योंकि इस ईद पे आपका बैलेंस नहीं लगने वाला। तो जनाब, आपने अपने डायल में जाना है और *4 बार आपने 5 मिलाना है, हाइस्ट में लाके इस नंबर को आपने डायल करना है। जैसे ही ये नंबर आपका डायल करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, फ्रंट ऊपर ऊपर पे लिखा होगा कि जैज़ फ्री 3 दिन या 7 दिन जैज़ गिफ्ट ऑफ़र लिखा होगा। तो आपने एक नंबर पे सेलेक्ट करना है और इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे जनाब आला, आपको आ जाएगा ये वाला मैसेज और आप मुझे करेंगे दुआएँ। और आप अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। तो मेरी तरफ़ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।